Good morning, friends. Myself, Praveen Kumar from Gurukul. देखिए आज जो हम पढ़ेंगे, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आर ओन सराउंडिंग्स. ठीक, ऐसे इसमें बात करें तो 9 क्लास में आप बात कर सकते हैं तो 4 चैप्टर है, यानी 4 चैप्टर है आपके. 4 लेसन है, मैटर इन सराउंडिंग्स है, इज मैटर प्योर अराउंड अस. थर्ड जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है. फोर्थ जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है. ठीक है, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे. अब यहाँ पे ये बात होता है कि मैटर इन सराउंडिंग्स ही क्यों, ये जरूरी क्यों पड़ता है कि मैटर इन सराउंडिंग्स ही क्यों. तो यहां बात कर रहे थे कि आखिर यही चैप्टर क्यों जरूरी है. तो ये चैप्टर इसलिए जरूरी बनता है यहाँ पे क्योंकि हम इसी चैप्टर से, यानी कह सकते हैं कि हम इसी चैप्टर से हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मैटर जो है, यहां मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चीज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि क्या मैटर जो है वो सभी जो है वो प्योर है या नहीं है. थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर वो बने कैसे हैं, और फोर्थ चैप्टर में भी है. तो ये सब चीजें जो है, जब तक हम फर्स्ट चैप्टर को अगर क्लियर नहीं करते हैं तब तक हमें सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा. यानी कोई भी नॉलेज अगर चाहिए हमें तो सबसे पहले हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की बात करते हैं. हम मैटर इन सराउंडिंग्स के बारे में बात करें, ये हमारा जो पहला लेक्चर 1.1 जो है केमिस्ट्री का 9 क्लास का, इसमें हम इंट्रो ही देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे. और इंट्रोडक्शन के बाद जब हम अगले वीडियो में चलेंगे तब जाके हम बेसिकली अगर बात करें तो चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे. अभी हम सिर्फ इसके बारे में इंट्रो देते हैं, मैटर के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, जो भी चीजें हैं हम वो मैटर के ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां बात बनता है कि हम किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें जो हेडिंग दिया हुआ है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का. तो मैटर इन सराउंडिंग्स का मतलब यहां पे है कि मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ. और इन द सराउंडिंग्स मतलब हो गया हमारे चारों तरफ, यानी हमारे चारों तरफ के पदार्थ कैसे हैं, किस तरीके से बांटा गया उनको, ये सब चीजें जो है ये हमारे इसे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर 1.1 में मिलेंगे. यानी कि हम सिर्फ इंट्रो का बात कर रहे हैं, अभी हम कोई चैप्टर वाइज अभी कोई चीजें जो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम समझेंगे मैटर के बारे में. हम अक्सर देखते चलते आते हैं मैटर जो है वो क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, एक आगे जैसे जैसे हम चलते चलेंगे तो मैटर का डेफिनेशन कोई नहीं बदलता है. मैटर जो है उसका डेफिनेशन अगर कहें तो सिंपली तौर पे क्या लिखा जाता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास कॉल्ड मैटर. यानी वो सारी चीजें जिनमें मास हो और जो जगह घेरती हो, वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है. आप बैठे होंगे, आपका मोबाइल होगा, मोबाइल जगह घेरे हुए है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा. आप जहां बैठे हैं आपने भी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाइज किया होगा, आपका भी कुछ वेट होगा. इसका कहने का मतलब है कि हम सभी क्या है, मैटर है. ठीक है, हम मैटर हैं, सभी जितनी भी सारी चीजें हम क्या है, मैटर है. आपका टेबल, चेयर, हम ह्यूमन, एक यहां पे लिखे एयर. तो बहुत लोगों का प्रश्न बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि एयर तो मैटर कैसे हो सकते हैं, ये कैसे मैटर हम कर सकते हैं, इसके बारे में बात. ठीक है, तो एयर को हम मैटर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इस पे, यानी हमारे इस डेफिनेशन पे बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट जो है वो अप्लाई हो जाते हैं. जब एक्यूरेट अप्लाई हो जाते हैं तो हम इसको हम कह सकते हैं कि ये मैटर है. अब बात करते हैं कैसे अप्लाई होंगे ये सारी चीजें जो है, वो चेयर, टेबल, ह्यूमन, इसके बारे में आप समझ गए होंगे. अब एयर कैसे होंगे इसके बारे में देखिए, यहां पे लिखा है ऑक्यूपाइज स्पेस, मास. तो इसके लिए बहुत छोटा सा अगर एग्जांपल बात करें तो एक बैलून लेते हैं. ठीक है, सपोज करते हैं एक ऐसा बैलून लेते हैं जो बिना हवा का, यानी उसमें इन्फ्लेशन नहीं हो, उसे इन्फ्लेट नहीं किए गए हो, यानी हम अपने मुंह से या किसी मशीन के द्वारा कैसे भी करें उसमें हवा नहीं भरे, यानी एक इम्प्टी है. ठीक है, इसमें हवा नहीं है, यानी कह सकते हैं ये क्या है, विदाउट एयर. विदाउट एयर हुआ तो ये क्या हुआ, ये बहुत, इसका आकार छोटा होगा,
इसका जब हम वेट करेंगे, जब हम इसका मास अगर कैलकुलेट करें अगर, तो इसका मास कुछ होगा, कुछ हो, क्योंकि बिना मास के तो आएंगे नहीं। तो हर चीज का मैटर का कोई ना कोई मास होता है, भले वो कहे अगर कम हो या अधिक हो, उससे मैटर नहीं बनता यहाँ पे, कि वो बात क्या है। अब एक इसी बैलून को हम क्या करेंगे, इसी बैलून को हम इसमें हवा भर देते हैं। अब जैसे ही हम हवा भर देते हैं, यानी ये क्या है, ये विद एयर है, यानी इसमें हवा है, हम देख सकते हैं साइज में अंतर आया। अब वो जो हवा है वो इस बैलून में पूरा चला गया, यानी वो ऑक्यूपाइज स्पेस कर लिए, यानी जगह ले लिया, क्योंकि हम बैलून को जहां रखेंगे वो जगह ले लिया। पहले वो बैलून जो था वो इन्फ्लेट नहीं था, इसलिए वो कम जगह दिया। जैसे इन्फ्लेट कर दिए, हवा भर दिए, वो बैलून जो बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया इसका मतलब कि वो जगह अधिक लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वेट जो किए थे और इसका वेट करेंगे, तो दोनों के मासेस में अंतर क्या आएंगे, कि ये जो बैलून होगा यानी विद एयर वो ज्यादा होगा, किससे, विदाउट एयर से, विदाउट एयर से वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि तब हम यहां पे कह सकते हैं कि एयर क्या है, ये एक मैटर है, ठीक है। तो बहुत जो है हम कह सकते हैं कि बहुत मैटर है। आप कोई भी चीज मिला लीजिए, आप सिंपली कह सकते हैं जो भी चीज देखते हैं वो मैटर है। इनविजिबल में हम बात करें तो ये एयर या गैसेस जो होते हैं वो भी मैटर ही है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है वो मैटर में आती हैं, ठीक, आपको क्लियर हो गए। फिर आपको बताते हैं कि मैटर क्या है, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी वो सारी चीजें जो जगह घेरती हैं, जिनमें मास होता है, ठीक, तो वो क्या है, वो मैटर होंगे। जो भी जगह घेरे, जिसमें भी अपना मास हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, मैटर होंगे। आप इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके घर की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी के सारी मैटर होती हैं। हम मैटर होते हैं, आप मैटर हैं, आप जहां बैठे हैं, ठीक है, आप किसी अगर जिस चीज पे बैठे हुए हैं वो भी मैटर है, आप जहां मोबाइल रखे हुए हैं वो भी मैटर है, मोबाइल की बात करें वो भी मैटर है, मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास कॉल्ड अ मैटर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम थोड़े से इस वीडियो को थोड़ा और लंबा करते हैं, माइनर, और इसमें हम कुछ इसके बारे में और बताते हैं, और तब हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, लेक्चर 1.1 में, लेक्चर 1.2 में हम बात करेंगे। चलिए, जैसा कि हम बात किए कि आगे हम पढ़ेंगे, थोड़े से वीडियो को हम लंबा कर रहे हैं, लंबा कहने का मतलब उतना नहीं जाए, क्योंकि हम 1.2 में और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं जो मैटर होते हैं, ठीक है, जो मैटर होते हैं उनको कितने तरीके से बांटा जाता है। तो पहला इसका तरीका होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब पहले ये समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल में अंतर क्या बनता है। तो फिजिकल कहने का मतलब कि जो हम बाहरी से उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हम बाहरी से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली जिसको कर सकते हैं हम टच, तो वो चीजें जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चली जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज से बात करता है उसके अंदर की जो बनावट होती है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी मैं कह सकते हैं कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर थ्री, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आपको मालूम ही होंगे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस के सबके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी हम ये सिर्फ इंट्रो का बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, फिर सॉलिड का प्रॉपर्टीज, लिक्विड का प्रॉपर्टीज, फिर गैस का प्रॉपर्टीज, जितने भी सारे होंगे वो सभी के सभी हम पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर में कौन कौन चले आएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी हम बता रहे हैं, जो अभी जो बात किया जाएगा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ये बेसिकली जो है ये सेकेंड चैप्टर की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि हम मैटर के बारे में हम इंट्रो दे रहे हैं, तो इंट्रो में ये हमारा जरूरी बनता है, क्योंकि जब बात कर दिया गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे के अनुसार इनको बांटा गया है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस।
केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम इसको देख लेते हैं और इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन हमारे लेसन 2 में मिलेंगे हमको। इसलिए आप इसके लिए कोई मतलब वरी नहीं करेंगे कि ये पढ़ाएगा और इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर की चीजें नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। केमिकल प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है प्योर और एक हुआ तुम्हारा मिक्सचर। तो हम मिक्सचर को हम इम्प्योर भी कह सकते हैं, ठीक है, प्योर और मिक्सचर। जब हम प्योर को बांटते हैं यानी प्योर भी जो है ये दो भाग में बटेंगे, कौन कौन, एलिमेंट और कंपाउंड। ध्यान से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में दो तरीके से बांटा गया है, प्योर और मिक्सचर। प्योर क्या होंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में देख सकते हैं कि एलिमेंट को भी तीन भाग में बांटा गया है। ऐसे बेसिकली अगर बात करें तो दो ही भाग में बांटा जाता है, ठीक है, वो कौन कौन, मेटल और नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन मेटोलाइट्स भी हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेना है क्योंकि ये भी जरूरी है मेरे लिए। कंपाउंड देखेंगे तो कंपाउंड कैसे बटेंगे, दो भाग में ये बट रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर में, तो मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबके बारे में डेफिनेशन हम जो है वो हमें जब लेसन 2 पढ़ेंगे तब उस समय हम आपको देंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में कौन कौन होंगे, तो होमोजीनियस में हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस में हो जाएंगे सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो ये सबके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इसलिए कोई भी मतलब ऐसा वरी नहीं करना है कि फर्स्ट चैप्टर में इसको नहीं पढ़ाएंगे, हम ये सिर्फ इंट्रो दिए हैं। अब हम लेक्चर 1.2 में बात करेंगे अब इसके आगे यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे कि आखिर मैटर जो है वो किससे बने होते हैं, उसको कैसे हम जानेंगे कि ये मैटर जो है वो पार्टिकल्स में बने होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो हम लेक्चर 1.2 में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप इसके लिए वेट करें। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप सिंपली जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अगले वीडियो का आप वेट करें, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स।